सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आजम और इस वीडियो में हम रोटरी कंप्रेसर को टेस्ट करेंगे कि ये सही है या नहीं सही। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसकी कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे ट्रेस कर सकते हैं। ये मैं वैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा कमेंट्स मिल रहे थे, बहुत ज़्यादा दोस्त कह रहे थे कि सर एक बार फिर हमें बता दें और एसी के कंप्रेसर पर बता दें, तो इसलिए मैं इस वीडियो में उसको भी साथ में कम्प्लीट क्लियर कर दूंगा कि आप कैसे जो है अपने मल्टीमीटर का यूज़ करते हुए, यानी कि जो हमारे पास डिजिटल मीटर होता है कुछ भी चेक करने के लिए वोल्टेज एम्पेयर्स, तो उसकी मदद से हम कैसे जो है कंटिन्यू पर इसको सिलेक्ट रख कर कैसे इसके तीनों पॉइंटों को टेस्ट करके इसमें से कॉमन रनिंग स्टार्टिंग जो है तीन पॉइंट एक एक पॉइंट कैसे हम ट्रेस कर सकते हैं कि कौन सा जो है वो कॉमन है, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है। उसके अलावा हम इसको फिर मुकम्मल कनेक्शन करके टेस्ट करेंगे कि ये सही है या नहीं सही। कनेक्शन कैसे करेंगे आपको इस वीडियो में वो भी जानने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ आपको ये जो है क्लियर कर देता हूँ कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग जो है वो हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं। इसके ऊपर एक सील लगाई गई होती है, रबड़ की सील होती है जो इसके ऊपर बॉक्स लगाया जाता है, एक डिब्बी सी जो कि इसमें पानी ना जाए। उसके ऊपर भी अक्सर आपने देखा होगा लिखा होता है जौन सा पॉइंट जिस तरफ है उस तरफ कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, उससे हमें पता चल जाता है कि ये पॉइंट कॉमन, ये रनिंग, ये स्टार्टिंग है। अभी यहाँ पर जो है इसके ऊपर सील तो नहीं है लेकिन कंप्रेसर की बॉडी के ऊपर जो है वो आप देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ है। जी हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमन जो है वो इस तरफ लिखा हुआ है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये कॉमन का है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये है रनिंग का। जी हाँ, आर लिखा हुआ है यहाँ पर रनिंग का है और ये सी लिखा हुआ है ये कॉमन का है, और जो दूसरी तरफ है वहाँ पर एस लिखा होगा और वो स्टार्टिंग, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, यहाँ से हमें ये पता चल गया। अभी ये भी ना लिखा हो, सील्ड भी ना हो, कुछ भी ना लिखा हो, आप आउटडोर यूनिट में कंप्रेसर को टेस्ट करना चाह रहे हैं, जो है कनेक्शन उसके जल चुके हैं या कुछ भी ऐसी वैसी प्रॉब्लम हो चुकी है, वहाँ पर हम क्या करेंगे। अब यहाँ पर हम इसमें सबसे पहले यही टेस्ट कर लेते हैं कि इसमें कॉमन कौन सी, रनिंग कौन सी, स्टार्टिंग कौन सी है। ये अगर ना भी लिखा हो तो आप कैसे टेस्ट करेंगे। यहाँ पर आपने सबसे पहले जो है अपने मीटर को सिलेक्ट कर लेना है कंटिन्यू पर। जी हाँ, जहाँ पर साउंड की ऑप्शन है कंटिन्यू, यानी कि यहाँ पर हमें यह सर्किट बताएगा और रेजिस्टेंस भी इसकी बता देगा। यहाँ पर मैं रख लेता हूँ और आपको कोशिश करता हूँ जो है मुकम्मल नज़र आए। यहाँ पर जो है एक बार मैं टेस्ट करवा देता हूँ आपको। जी हाँ, ये मैं आपस में लगाया और यहाँ पर कंटिन्यू जो है वो बन रही है। जैसे ही मैंने इसको अलग किया कंटिन्यू जो है वो कट आउट हो गई। तो यहाँ पर जो है मैं मीटर को पहले सेट कर देता हूँ किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको आसानी से रीडिंग भी जो है वो देखने को मिलती रहे। इसको यहाँ पर कहीं एडजस्ट कर देता हूँ मैं ताकि आपको रीडिंग जो है वो देखने को मिलती रहे, क्योंकि इसमें रीडिंग ही नोट हमने करनी है। अब यहाँ पर मैं जो है फार्मूला जो है हमारा वो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ जो कि मैं ऑलरेडी बहुत बार पहले भी तकरीबन एक दो वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अब फार्मूला जो है इसका ये है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग ट्रेस करने का। मज़े की बात आपको मैं ये बता दूँ यहाँ पर कि मैं जब कहीं पर भी कंपनी में या कहीं पर भी ज्वाइन करने गया, मुझसे ये एक बार सवाल ज़रूर पूछा गया था और मैंने इसका अल्हम्दुलिल्लाह जवाब वहाँ पर दिया। उन्होंने प्रैक्टिकल भी कह लेंगे करवाना होता है और पूछना भी होता है, कोई ना कोई ऐसे सवाल जो है उन्होंने करने होते हैं, तो मुझसे भी ये पूछा गया था कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग ना ऊपर कुछ लिखा हो ना कुछ भी, यानी कि उसका निशान ना हो, हम कैसे और किससे कैसे ट्रेस करेंगे। हो सकता था वो मुझसे मुकम्मल जो है पूरा प्रोसेस करवाते कि इस हमें निकाल कर दिखाओ, बताओ कौन सी है, प्रैक्टिकल करके दिखाओ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है सिर्फ एक अल्फाजों में ही बता दिया कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग जो है वो हम ऐसे ट्रेस कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो मैं दोहरा देता हूँ, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग जो है वो हम ऐसे ट्रेस कर सकते हैं अपने मल्टीमीटर डिजिटल मीटर की मदद से उसकी रीडिंग नोट करते हुए कि जिस, अब यहाँ पर दो तीन स्टेप बनेंगे, तीन स्टेप, एक स्टेप, दूसरा स्टेप और ये तीसरा, यानी कि एक, फिर दो और फिर ये तीन, बस। तो तीन स्टेप बनेंगे, तो तीनों स्टेपों में हमने यहाँ पर ये जो अपना मीटर है इसको यहाँ पर लगाना है, फिर यहाँ पर लगाना है और फिर वो दो,
ऐसे हमने तीनों पॉइंटों को आपस में देखना है, जिस पॉइंट में रीडिंग हमने नोट करते रहना है, इन दोनों में कौन सी रीडिंग आई, इन दोनों में कौन सी रीडिंग आई और इन दोनों में कौन सी रीडिंग आई, ये हमने नोट करते रहना है। फिर हमने तीनों रीडिंगें लिख लेनी है कि जिस रीडिंग में सबसे यहाँ पर अगर सबसे ज़्यादा रीडिंग आ रही है या यहाँ पर या यहाँ पर, जिस दो पॉइंट में जिस दो टर्मिनल में सबसे ज़्यादा रीडिंग हमें मीटर जो है वो शो करेगा, वो दोनों रनिंग और स्टार्टिंग होंगे। अब हमें कंफर्म नहीं है कि कौन सा उन दोनों में रनिंग है कौन सा स्टार्टिंग है, लेकिन ये कंफर्म हो गया कि उन दोनों में एक रनिंग एक स्टार्टिंग लाजमी है। फॉर एग्जांपल ये रनिंग स्टार्टिंग होगी तो ये जो है हमारी सिंपली आपको पता चल गया कि ये कॉमन है, रनिंग स्टार्टिंग तो पता चल गई कॉमन, साफ साफ साइड पर हो गई, ये कॉमन हो गई। और फिर हमने उस कॉमन के साथ जो है पॉइंट एक लगा कर रखना है, फिर दो स्टेप बनेंगे, एक यहाँ पर लगाना है एक यहाँ पर लगाना है कॉमन के साथ लगाकर, फिर देखना है इसमें रीडिंग ज़्यादा है या इसमें ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा होगी वो हो जाएगी स्टार्टिंग, जिसमें होगी कम वो होगी रनिंग, हमारी जो है टर्मिनल जो है हमारे सामने आगे कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कौन कौन सी है। तो ऐसे ही मैंने जवाब दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल तक तो मैं पहुंचा नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल मुझे करवाया भी नहीं, उन्होंने वहीं से ही मुझे पास कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हैं, और बहुत अच्छी ये कह लेंगे एक ऑप्शन है हमारे पास कि हम इससे यानी कि अपनी जो है रनिंग स्टार्टिंग ट्रेस कर सकते हैं। कहीं पर हम ऐसी जगह पर काम कर रहे हों जहाँ पर इतनी मुश्किल हो जाए कि कनेक्शन नहीं है, अब उसको क्लियर भी करना है, तो कनेक्शन हम जो है इससे ही ट्रेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने यहाँ पर रीडिंग भी नोट करनी है। अब मैं पहले जो है दो पॉइंट वो ये है, जी हाँ यहाँ पर है 9, इन दो पॉइंटों में 9 आ रहा है, और इन दो पॉइंटों में जो है जी हाँ 13, यहाँ पर कितने 9 और यहाँ पर 13, अब यहाँ पर 13 यहाँ पर 9, दो स्टेप हो गए। अब यहाँ से ये मैं हटा लूँगा, अब इन दोनों का चेक करूँगा, सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया, हाँ जी यहाँ पर है 12, यहाँ पर 12, यहाँ पर इन दोनों में क्या है, आपने देखा कि यहाँ पर था कुछ 9, कम हो जाएंगे अभी आहिस्ता आहिस्ता, जी हाँ 10, ये इन दोनों में 10 9 के आसपास है। अब यहाँ पर जो है जी हाँ यहाँ पर 9 है, यहाँ पर जो है 13 है, 13 से ज़्यादा ही है, ठीक ठीक जी हाँ यहाँ पर है सबसे ज़्यादा रीडिंग, यहाँ पर 9 है 9 है, यहाँ पर इस दो पॉइंटों पर लगाते हैं तो वो 10-12 के आसपास ही है। अब यहाँ पर अगर लगाते हैं इन दो पॉइंटों में तो इसमें हमें 11, जी हाँ 11-12 पर है सबसे ज़्यादा रीडिंग जो है वो हमें इसमें मिल रही है, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट सबसे ज़्यादा है, इसमें जो है कम हो जाती है, इन दोनों में जो है वो भी कम है, और इन दोनों में जो है वो 12 या 13 कह लें 11-12-13-14 भी हो जाती है, इन दो पॉइंटों में सबसे ज़्यादा रीडिंग आ रही है, इन दोनों में भी कम है, इन दोनों में भी कम है, इन दोनों में सबसे ज़्यादा है, और ये होगी हमारी रनिंग स्टार्टिंग इन दोनों में ही है, यानी कि रनिंग स्टार्टिंग इन दोनों में आ गई। अब यहाँ पर तो लिखा हुआ है कॉमन ये है, वैसे एग्जैक्ट हमने निकाल भी लिया तो वैसे भी हमें कंफर्म भी हो गया कि यही कॉमन है, तो ये कॉमन ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी। फॉर एग्जांपल ये नहीं लिखा हुआ, आपने इस चीज़ को नहीं देखना कि ये लिखा है नहीं लिखना, आपने अपने माइंड से देखना है, यहाँ से अपने मीटर से देखना है कि क्या सही आ रहा है रीडिंग में। ये जो है कॉमन होगी, कॉमन इन दोनों में रनिंग स्टार्टिंग है। अब इन दोनों में हमने ट्रेस करनी है कौन सी रनिंग कौन सी स्टार्टिंग, तो कॉमन पर एक पॉइंट लगा कर रखूँगा मैं, और दूसरा जो है कभी उधर कभी इधर। अब इन दोनों में सबसे ज़्यादा किसमें है, यहाँ पर आ रही है 6 और दूसरी साइड वाले पर 9, यहाँ पर थी 6 और 9, अब यहाँ पर लगाकर इसमें ज़्यादा आ रही है, जिसमें ज़्यादा आ रही हो वो होगी हमारी स्टार्टिंग, हमेशा हमारी वो स्टार्टिंग ही होगी कॉमन के साथ, जिनमें ज़्यादा हमें जो है रीडिंग मिले वो होगी स्टार्टिंग और दूसरी जो बची वो रनिंग। अब ये पॉइंट हो गया कॉमन, ये पॉइंट हो गया रनिंग, और वो जो दूसरा पॉइंट था वो हो गया
स्टार्टिंग। बहुत ही आसानी से ये तो हो गया क्लियर, और उम्मीद है कि आपको बड़े इजीली जो है बहुत ही इजी तरीके से आपको पता चल गया होगा। तो चलें ये तो हो गया क्लियर, अब हमने इसको टेस्ट करना है कि रूटरी क्या सही है या नहीं सही। इसको टेस्ट करने के लिए इसके जो कनेक्शन है कनेक्शन मुकम्मल मैं करूँगा। उसके लिए तो मुझे एक चाहिए कैपेसिटर जो कि मैंने चेकिंग के लिए रखा हुआ है, और एक टन की ये रोटरी है, एक टन यूनिट की, और यहाँ पर जो है मैंने रखा हुआ है 40 UF। एहतियातन मैंने रखा हुआ है 40 UF जो है एक जो है अच्छी पावर देगा इसे स्टार्ट करने में। तो टेस्टिंग के लिए बेस्ट है एक टन के लिए 40, 35 हो वो भी चलेगा, जैनमैन जो है कंपनी 35 का ही बोलती है कि 35 जो है वो बेस्ट है, लेकिन 5 प्लस या माइनस आप UF कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ 10-15 प्लस माइनस करेंगे तो इशू बन सकता है। अब यहाँ पर जो है हमने इसके कनेक्शन करने हैं और इसको रन करना है, इसको हमने चलाना है। तो जी हाँ यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, कॉमन जो है कॉमन हमारी यहाँ पर लगेगी, कॉमन जो है हमारी लग गई, कॉमन एक ही वायर है। मैं आपको थोड़ा सा क्लोज से जो है कनेक्शन दिखाने की कोशिश करता हूँ। जी हाँ कॉमन जो है वो हमारी यहाँ पर लग गई, और कॉमन ये हमारी एक साइड पर रहेगी, ये आपकी लाइन है, फेस कह लें, न्यूट्रल कह लें या फेस कह लें, ये आपकी मेन लाइन है, ये फेस हो गई हमारी। इसको कर देता हूँ मैं एक साइड पर, यहाँ पर यानी कि 220 जो वोल्टेज हमने देने हैं यहाँ पर न्यूट्रल या फेस कनेक्ट की जाएगी। अब यहाँ पर जो है मैं एक जो है मेरे पास लीड है जिसकी मदद से मैं यहाँ पर जो है कनेक्शन कर पाऊँगा। अब यहाँ पर जो है मैं रेड जो है ये मैं स्टार्टिंग बना लेता हूँ, आप रनिंग भी बना सकते हैं, लेकिन मैं अपने माइंड में सेव रखने के लिए ताकि मुझे पता हो क्या मैं कनेक्शन कर रहा हूँ स्टार्टिंग बना देता हूँ। और ये जो दूसरा वाला पॉइंट है एक एक्चुअल में ये ब्लू वायर है, यहाँ से जॉइंट किया गया है, यानी कि ब्लू वायर जो है मैं उसको रनिंग बना देता हूँ। तो जी हाँ ये रनिंग बन गई। अब यहाँ पर हमारे पास 3 जो है वायरें आ गई, ये तो हो गई मेन, इसको आप साइड पर कर दें, ये ब्लैक वाली जो है ये मेन है हमारी। अब इन दोनों में से हमने एक मेन निकाल ली है, यानी कि न्यूट्रल या सॉरी फेस जो है वो ये है। अब न्यूट्रल हमने इन दोनों में से एक किसी को देनी है, न्यूट्रल किसको देनी है अब देखते हैं। ये जो ब्लू है आपको पता है कि ये रनिंग है, ये वाली रनिंग, और ये रेड वाली जो है ये है हमारी स्टार्टिंग। अब यहाँ पर कैपेसिटर आ गया, कैपेसिटर में एक साइड पर जो है मैं लगा दूंगा स्टार्टिंग, एक साइड पर लगा दूंगा रनिंग। इसमें कुछ लोग पूछते हैं कि सर ये इधर ही लगानी ज़रूरी है या इसकी कोई निशानी कोई ऐसी चीज़ कि ये इधर लगानी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप उधर लगा दें वो इधर लगा दें, पॉइंटों का कुछ भी नहीं होता। लेकिन अब जो हमने यहाँ से न्यूट्रल जो देनी है वो हमने बस ध्यान से देखनी है कि वो हमने कहाँ से देनी है। ये होगी हमारी स्टार्टिंग, ये होगी रनिंग, एक होगी हमारी ये लाइन साइड पर होगी फेस, उसको हमने देना है, और यहाँ से स्टार्टिंग को हमने फेस नहीं न्यूट्रल नहीं देना, हमने रनिंग को न्यूट्रल देना है, यानी कि रनिंग लाइन को हमने न्यूट्रल देना है। मेन ये दो वायरें हैं, फेस न्यूट्रल, और ये जो है कैपेसिटर में आई, और कैपेसिटर में आने के बाद स्टार्टिंग लग गई, स्टार्टिंग कैपेसिटर इसको स्टार्ट करेगा, इसकी मोटर को हाई पावर जो है वो सप्लाई करेगा और ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इसका कनेक्शन कट आउट हो जाएगा, रनिंग के साथ हमने लाइन लगाई होगी, और रनिंग के साथ ही ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट इसको रन करता रहेगा कंप्रेसर को। चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। तो कनेक्शन जो है हमारे तकरीबन यहाँ पर हो चुके हैं, तो अभी मैं इसको ऑन करने वाला हूँ। जो है हमारे पास एक लीड, हमारे पास जो है एक लीड जिसके ज़रिए से मैं इसको भी ऑन करूँगा, इसको मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ ताकि ये इसके साथ कनेक्ट रहे। अभी हम इसको रन करेंगे और फिर देखेंगे। ये मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, कनेक्शन जो है आपने ध्यान से करने हैं, और यहाँ पर आप अपने आप को जो है एक्टिव रखें, क्योंकि ये ऐसा काम है, यहाँ पर जो है वायरिंग है, और इसके अलावा जब हम इसको टेस्ट करेंगे हो सकता है इसमें से स्पार्क हो, कुछ भी हो सकता है, शॉर्टेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये भी मैं आपको बता दूं कि जो आपने जहाँ पर ये इसको टेस्ट करना है, बोर्ड जो है उसको टेस्ट करना है, तो टेस्ट करने के लिए आपका जो बोर्ड है उसके पीछे एक ब्रेकर होना ज़रूरी है, जो कि अगर
शॉर्टेज हो जाए, कंप्रेसर शॉर्ट हो जाए, तो आपका ब्रेकर जो है वो ट्रिप हो जाए, या स्पार्क हो जाए तो आपका ब्रेकर जो है वो ट्रिप हो जाए। यहाँ पर एक पॉइंट जो है मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ, तो इसके लिए मुझे एक थिम्बल चाहिए। तो जी हाँ, ये मैं ले आया हूँ एक थिम्बल, इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। ओ हाँ हाँ, सॉरी यार, एक चीज़ तो बातों बातों में जो है वो निकल ही गई। अच्छा, सच सच आपने बताना है मुझे आज इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कि आपके माइंड में वो आ रही है कि नहीं। मैंने सब चीज़ तो टेस्ट कर ली, एक चीज़ फिर भी रह गई। वो चीज़ ये है कि हमने इसकी शॉर्टेज जो है वो मीटर से टेस्ट नहीं की। हमें हालांकि वो करनी चाहिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें वो टेस्ट करनी चाहिए। तो वो तो अभी एक मिनट में ही हम टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन आपने बताना है, अक्सर होता है ना कि कोई समझा रहा हो तो, कोई सीखने वाला हो तो उसके माइंड में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है कि यार इस बार ये चीज़ की नहीं, पता नहीं क्यों। तो ऐसे ही आज मैं ये भूल गया, तो सॉरी। अब इसको टेस्ट करना जो है मैम इजी है बहुत ही। वहीं पर रखूँगा कंटिन्यू जहाँ पर है। वहाँ पर रखने के बाद एक पॉइंट बॉडी के साथ, आपको पता है बॉडी के साथ बॉडी जो है वो यहाँ पर सर्किट देगी, लेकिन हमें सर्किट जो है वो इसके साथ टेस्ट करना है। इसकी कॉमन रनिंग जो है वो अलग अलग से, जी हाँ, इसके साथ नहीं बन रहा। स्टार्टिंग जो है इसके साथ भी नहीं बना। इसके अलावा जो है हमारे पास ये पॉइंट, जी हाँ, इसके साथ भी नहीं बना। यानी कि तीनों में एक एक को आपने पॉइंट लगाना है और एक को बॉडी के साथ लगा कर रखना है। अगर तो यहाँ पर कंटिन्यू बन गया तो फिर आपका कंप्रेसर खलास है, कह लें कि फारग गया है। तो यहाँ पर शॉर्टेज भी नहीं है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि यार आपके माइंड में मेरे बताने से पहले था, सच सच बता देना कि मेरे माइंड से पहले था कि नहीं। तो चलिए, ये वायर जो है न्यूट्रल हो गई, अब इसको साइड पर कर देता हूँ। आपने देख लिया कि कौन सी मेन थी और कौन सी न्यूट्रल हो गई। यहाँ पर हमने इसके साथ यानी कि रनिंग के साथ ये लगा दी, हो गया क्लियर। अब मैं मीटर जो है उसको जो है वो भी आपको दिखाऊंगा, अम्पेयर पर सेलेक्ट करके इसको मैं अभी ट्राई करता हूँ, ऑन करता हूँ। तो चलिए मैं स्विच में इसको लगा देता हूँ। अरे बाप रे, ये तो चल गई। अभी मीटर को मैं सेलेक्ट करता हूँ 20 अम्पेयर पर, और यहाँ पर जो है मैं रनिंग में लगा देता हूँ और देखता हूँ क्या अम्पेयर शो कर रहा है। खाली रोटरी है और 4 अम्पेयर के आसपास शो कर रही है। मैं इसमें दूसरे वायर में भी लगा कर एक बार देख लूँ। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट जो है इसके अम्पेयर मिलेंगे 3 अम्पेयर। अभी थोड़ी देर बाद हो सकता है 2.5 अम्पेयर पर आ जाए, तो 3 अम्पेयर ये जो है इस वक्त रोटरी ले रही है। तो अभी ये बहुत ही अच्छे से चल रही है, जी हाँ। प्रेशर आप देख सकते हैं साउंड में, और यहाँ पर जो है सक्शन लाइन है, जी हाँ, सक्शन भी एकदम मस्त काम कर रही है, और डिस्चार्ज जो है वो भी चल रही है, जी हाँ। ये तो चल गया, आपने देखा हमने कैसे इसकी कॉमन रनिंग ट्रेस की, उसके बाद कैसे हमने इसमें जो है कनेक्शन किए, उसके बाद इसकी शॉर्टेज भी चेक की, अब अम्पेयर भी देख रहे हैं, और अब ये भी देख रहे हैं कि ये चल रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आपको कॉमन रनिंग स्टार्टिंग ट्रेस करना तो समझ में आ गया होगा क्लियरली कि कैसे कॉमन रनिंग स्टार्टिंग ट्रेस की जाती है, और उसके अलावा आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसके जो है कनेक्शंस हैं, फिर हम इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, और जैसे आपने पिछली वीडियो में लाइक्स इतने ज़्यादा दिए, तो इस वीडियो में भी बेशुमार आप लाइक्स दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरी FB ID ज्वाइन नहीं की और हमारा फुली फॉर वर्ल्ड जो है फेसबुक पेज ज्वाइन नहीं किया, तो उसको भी जाकर आप जल्दी से लाइक शेयर फॉलो ज्वाइन कर लें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।